अरे बाप रे, अबे तुम्हें दिखाई नहीं देता काका के पैर को उंगलियों के समझ का साइकिल घुसाया जा रहा है। काका मेरी ब्रेक नहीं लगी। ब्रेक नहीं लगी या ब्रेक थी ही नहीं? ब्रेक थी, मैंने उसे बेच कर जलेबी खा ली। साइकिल बेचते ना तो साले रस मलाई खाते। साइकिल ससुराल में मिली है, अगर उसे बेच लेता तो बीबी बहुत मारती। अबे ब्रेक बेच कर जलेबी खा लिया, जब उसे पता लगेगा तब कह दूंगा कहीं खुल कर गिर गई। हाँ भाई, तुम्हें क्या करवाना है? मुझे साइड सेटिंग करवाना है। ठीक है, हो जाएगा। अबे मैं साइड सेटिंग के लिए कह रहा हूँ, तू मेरे सर का बाल काट रहा है। अरे भाई ऊपर से उतर के नीचे आऊंगा तब ना काटूंगा। जब तेरे को काटना नहीं आता क्यों कटवाऊं? अरे मैंने अच्छो अच्छो को काट दिया, तू किस जंगल का पेड़ है? ए वो ना कर, चल निकल ले यहां से। तू काका क्या करवाना है? करवाना नहीं है, कटवाना है। क्या बनवाना है? अरे बोले ना, पहले खिजाब लगा दो फिर काट दो फिर घोट दो। काका तुम काम कराने आए हो या मजाक? तुम मेरी भौजाई लगती हो, जो मैं तुमसे मजाक करूंगा? देखो काका। क्या देखो, जब तुमको काम करना नहीं आता तो क्यों बैठे हो दुकान खोल के? मैंने सुना है कि नाई के पास 36 बुद्धि होती है, पर तेरे पास एक भी बुद्धि नहीं है। है ना, मैंने छोड़ दिया वो आसमान में चरने के लिए। इसीलिए तो तेरे समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि तू यहाँ है, बुद्धि तेरी आसमान में है। क्या हुआ भेचन काका? कैसे कैसे चेले रखते हो आप जिनको काम करना नहीं आता? ए तू काका का काम क्यों नहीं कर रहा है? क्या करूं, इनकी बात मेरे को समझ में नहीं आती। अरे कौन है भाला मानुष जो कूड़ा डाल के मेरा स्वागत कर रहा है? काका मैंने नहीं देखा इसलिए आपके ऊपर पड़ गया। मेरे ऊपर पड़ गया है इसका मुझे अफसोस नहीं है। अफसोस तो इस बात का है कि हमारी भारत सरकार स्वच्छता अभियान के तहत संदेश दे रही है और तुम गली में कूड़ा डाल रहे हो। काका हमें माफ कर दो। क्या माफ कर दे, हम सबका दायित्व बनता है साफ सफाई रखें गांव मोहल्ला गली, ताकि कोई बीमारी ना आए, लोग स्वस्थ रहे, बीमार ना पड़े, समझे हो? तुम ठीक कह रहे हो लपेटचंद, इसके लिए हम सबको ध्यान देना चाहिए। अरे फेकचंद, तुम्हारे ऊपर पंछी भी मल करके चला गया। हमारे जैसे तकदीर किसकी होगी जो इंसान के साथ साथ पंछी भी सम्मान कर रहे हैं। हाँ हाँ,
सम्मान क्यों नहीं करेंगे? आखिर कचड़े में तो कचरा डाला जाता है। क्या बोला? कुछ नहीं, मैं तो आपकी तारीफ कर रहा था। तारीफ क्यों नहीं करोगे, हम हैं ऐसे। अच्छा काका, मैं जाऊं? नहीं, फेंको ये कूड़े को उठाओ फिर जाओ। नहीं, हम सब लोग मिलकर उठाएंगे तो कारवां आगे बढ़ेगा। लोगों को कहते हुए सुना है कि सरकार ने सफाई कर्मी रखा है, तो वो आके करेंगे, हम क्यों साफ करेंगे? हम क्यों उठाए, उसने फेंका वही उठाएगा। बात तो तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन कहने से पहले हमको करना होगा ताकि लोगों पे हमारी बातों का असर पड़े। सही कह रहे हो फेक चांद, चलो सब लोग मिलकर बिनते हैं। फेक चांद, इतना सच धज के कहाँ जा रहे हो? चांद पे जा रहा हूँ। चांद पे? साइकिल से? लोग पैदल जाते हैं, मैं साइकिल जा रहा हूँ। तुमको भी चलना है क्या? नहीं नहीं, हमको यहीं रहना है। यहाँ रहकर क्या करोगे? बाबूजी से प्यार करेंगे। क्या बोला? मेरा कहने का मतलब ये है कि देख रेख करेंगे। नहीं नहीं, तू उससे दूर रहना। क्यों? वो इस समय ज्वालामुखी है, ज्वालामुखी। अगर वो फट गई ना तो क्या होगा? अबे तुझे भी फाड़ देगी। फाड़ देगी तो क्या होगा, फट जाऊंगा। अगर तुझे इतना ही फटने का शौक है, चल मैं तुझे आरा मशीन से फड़वा देता हूँ। जो मजा भौजी से फड़ने में है, वो मजा आरा मशीन में कहाँ है। अच्छा, बड़े सजे धजे हो काका, कहाँ बिजली गिराने का इरादा है? चांद पे। लोग धरती पे गिराते हैं, तुम चांद पे गिराओगे? लोग कहते हैं कि जिस थाली में खाओ उसमें छेद मत करो। धरती पे रहते हैं, चांद पे फेंकेंगे। अकेले ही जा रहे हो कि और है कोई साथ में? अब तुम आ गए हो, ढेर साथी हो जाएंगे। नहीं नहीं, हमें चांद पे नहीं जाना है। फिर नहीं कहना, हिस्सा दे दो। पहले तुम लोग पहुँचो तो वहाँ। मैं तो जा रहा हूँ पर हिस्सा नहीं मिलेगा। अरे जाओ, कम से कम धरती का बोझ कम हो जाएगा। क्या मैं हमेशा के लिए जा रहा हूँ? तो क्या लौट के आने का इरादा है? तो क्या ना आऊँ क्या? नहीं, हमने सोचा तुम वहाँ के रहवासी हो जाओगे, तुम्हारी जमीन पे हम कब्जा कर लेंगे। मुझे नहीं पता था तुम इतने बदनीयत हो। इतनी बड़ी उपाधि मत दो, हमारे जैसा सज्जन अभी तक पताल में पैदा नहीं हुआ। पताल में नहीं लपेटचन, धरती पे। घर के बड़े बुजुर्ग कहीं चले जाते हैं तो लड़के ही देख रेख करते हैं। तुम चांद पे जा रहे हो तो हम ही ना देख रेख करेंगे? यहाँ की छोड़ो, चलो मेरे साथ। डर तो वहाँ का है, कोई कब्जा न कर ले। क्या तुम्हारा वहाँ कब्जा है क्या? हमारे जितने पुरखे यहाँ से गए हैं, सब चांद पे कब्जा जमा कर बैठे हैं। उन्होंने मुझे बुलाया है रियासत देखने के लिए। पुरखे आपके हैं, आप जाइए, हम क्यों जाएं? कहते हैं राह चलंतु दोजन लीजे, छान बिछौना अपना कीजे। मैं अकेला जा रहा था, सोचा तुम्हें भी साथ ले लूं। रियासत आपको लेना है, हम की फोकट में अपना समय बर्बाद करें? उसका निचले वाला भाग तुमको दिलवा दूंगा। बड़े होशियार हो तुम, नीचे वाला हमें दिलाओगे और ऊपर वाला तुम लोगे? अरे यार, नीचे रहोगे तो खुशहाल रहोगे, अगर ऊपर रहोगे तो तबाह रहोगे। वो कैसे? अब देखो ना,
धरती के ऊपर कितना व्यवधान पैदा होता है, कहीं सूखा, कहीं बाढ़, कहीं तूफान, कहीं आंधी, ये सब धरती के नीचे थोड़ी ना होता है। सही कहा तूने, नीचे वाला ही लेंगे। अबे मूर्ख, जब चांद के नीचे आएंगे तो सीधे धरती पे ही दिखाई देंगे। तो इसमें चिंता की क्या बात है, कफन दफन के इंतजाम तो मैं कर दूंगा। इसका मतलब है कि हम लोगों को मारने का प्लान बनाया जा रहा है। अरे यार, अभी तक हमने राह चलते एक चींटी भी नहीं मारी, हाथी कैसे मारेंगे? हम तुम्हें हाथी दिखते हैं? नहीं, गधा जरूर दिखते हो। गधों के दो लत्ती से होशियार रहना काका, वरना चेहरे को चांदनी चौक बना देंगे। ए, बड़ा सा चौराहा बनाने के चक्कर में चांदनी चौक का नाम देकर चेहरे की तौहीन कर दिया। मेढकों की सोच सिर्फ कुएं तक ही रहती। हम मेढक नहीं, अजगर हैं। अजगर जो चबाते नहीं सीधे निगल जाते। देखो काका, हम तुम्हारे उम्र की इलाज कर रहे हैं, इसीलिए शांत हैं। नहीं तो क्या, बम की तरह फट जाते। अरे इलाज नहीं, लिहाज बोल लिहाज। हाँ हाँ हाँ, तुमको टुकड़े टुकड़े में काट के बांट देते। कटोगे तुम, बटूंगा मैं, ये कैसे हो सकता है? जैसे प्याज कटती है तो आंखों से आंसू गिरते हैं उसी तरह। अबे तुम्हारा हाल तो वैसे है, सांप का मंत्र निदाने छछूंदर की बिंद महाल डाले। तरह नहीं फेंक चंद, बिच्छू का मंत्र न जाने सांप के बिल में हाथ डावे। हाँ हाँ, इनका वही हाल है। तंत्र मंत्र की बात हमसे ना करो, हमारे जैसा तांत्रिक अभी तक समुन्द्र में पैदा ही नहीं हुआ। हम हाथी को मच्छर बना देते हैं और मच्छर को हाथी बना देते हैं। तो ठीक है, पहले मेरे साइकिल को हवाई जहाज बना के दिखाओ तो मैं जानू कि तुम बहुत बड़े तांत्रिक हो। हमें ये सब काम करके हवाई जहाज के फैक्ट्री को बंद नहीं कराना है। फेक चल से फेंकोगे? संगत का असर तो रहेगा ना? नहीं, ऐसा नहीं होता। बंदूक की नाल और कुंडा एक साथ नहीं होते। जब तूफान चलता है तो उसका उड़ा हुआ कर तन से चिपक जाता है, वैसे ही तुम्हारा असर हम पे चिपक गया। अच्छा मैं चलता हूँ, समय हो गया। तो कहाँ जाना है, चांद पे या घर? आज तो मैं घर लौट जाऊंगा, कल सोचूंगा जाने के लिए। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होएगी, बहुर करोगे कब? काका कल का काम आज ही कर लो, जीवन का कोई भरोसा नहीं है। दुनिया कल के भरोसे पे चलती है। अच्छा मैं चलता हूँ, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार, करना कल का इंतजार। धन्यवाद।